जहां टिकटॉक कई लोगों की जिंदगी ले चुका है तो वहीं कुछ हंसती खेलती जिंदगी को भी बर्बाद कर रहा है। दरअसल गाजियाबाद में एक पत्नी की टिकटॉक की लत नहीं छूटी तो पति ने तलाक की अर्जी दे दी। यूपी के गाजियाबाद में पति पत्नी के बीच तकरार की अजीबोगरीब वजह सामने आई है। पति अपनी पत्नी के टिकटॉक पर वीडियो बनाने की लत से परेशान हो गया। नौबत यहां तक आ गई कि पति ने कोर्ट में पत्नी की तलाक की अर्जी दी है। आपको बता दें, दोनों की शादी को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ। गाजियाबाद में टिकटॉक की लत का असर परिवार की खुशहाली पर पड़ने लगा। उसका कहना है कि पत्नी टिकटॉक पर वीडियो बनाने की आदत नहीं छोड़ रही है, जिससे परिवार प्रभावित होने लगा है। समझाने पर झगड़ा होने लगता है। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार शहर में रहने वाले एक व्यवसायी की शादी फरवरी 2019 में दिल्ली में रहने वाली युवती से हुई थी। पति का कहना है कि युवती शादी से पहले से टिकटॉक पर वीडियो बनाती रही। ससुराल आने के बाद भी उसने वीडियो बनाने बंद नहीं किए। अब उसने अपनी ननद और देवर को भी टिकटॉक की वीडियो बनाने में शामिल कर लिया। इससे घर के काम और परिवार की शांति भंग होने लगी। पति का आरोप है कि इस मामले में युवती के परिजनों से शिकायत की तो वह भी युवती का पक्ष ले रहे हैं। व्यक्ति का कहना है कि युवती टिकटॉक बनाने के चक्कर में खाना बनाने में देर करती है, इसलिए उसे तलाक दिया जाए। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली है। सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख दी गई है।